लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उनकी तमाम धमक तमाम देशों में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने वाला चीन भी उन्हीं देशों में से एक है जो एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोहराने लगा है। रिटर्न्स की संभावना पर चीन के मन की बात, पाकिस्तान में डर चीन के बदले सुर, भारत में होने वाली हर घटना पर चीन और पाकिस्तान की नजर रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। सातों चरण के मतदान में वोटिंग पैटर्न किस ओर झुक रहा है, जनता किसे चुनने का मन बना रही है, मतदान की परसेंटेज क्या है, इन सब पर चीन और पाकिस्तान की नजरें टिकी थी। और फिर जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हुए, चीन और पाकिस्तान का सियासी धड़ा और मीडिया एक्टिव होने लगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में इस बार भी संभावना मोदी रिटर्न्स की बताई जा रही है। और यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत चीन दोस्ती की संभावना जताई गई है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और ज्यादा मजबूत होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते, अक्सर उन्हें सरकारी मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ लिखा गया है उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है, एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। मोदी की सभी घरेलू और विदेशी नीतियां लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि भारत की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने वाली उनकी कोशिशों को जारी रखने की उम्मीद है। दरअसल 1 जून को सातवें चरण के मतदान के बाद देश की अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल के डेटा को सार्वजनिक किया, जिसमें से ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। ये संकेत सिर्फ मोदी सरकार की वापसी के नहीं है, बल्कि उनके लगातार बढ़ते वैश्विक रुतबे की ओर भी इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिशों को रचने वाला चीन मतभेद मिटाने की बात कर रहा है। विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने, मतभेदों को दूर करने और खुले संचार को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया ने रविवार को बताया कि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की 12 एग्जिट पोल में बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम में विश्लेषकों का हवाला देते हुए लिखा गया है, विश्लेषकों ने कहा है कि अगर मोदी जीतते हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। मोदी की सभी घरेलू और विदेश नीतियों में मजबूत निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना कम है। उधर चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान मोदी रिटर्न्स की संभावनाओं से दहशत में है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में भारत के एग्जिट पोल पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें लिखा गया है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत का अनुमान लगाया है। ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत साबित होते हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है, जब लोकसभा चुनाव से जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया के सामने होंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ही चीन और पाकिस्तान में तूफान मचा रखा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विदेशी एजेंसियों के द्वारा फंडिंग की बात सामने आई है। ये फंडिंग चुनाव के दौरान खास नैरेटिव बनाने के लिए की गई, ताकि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग चीन और इसराइल से हुई है। अमेरिका और यूरोप के देशों से हुई फंडिंग पर अभी जाँच की जा रही है। यूरोप और अमेरिका से फंडिंग की बात को जाँच एजेंसी खारिज नहीं कर रही। इन चुनावों में जो विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग काफ़ी निगेटिव रही और खुलकर चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कुछ मीडिया को खुलकर फंडिंग की गई तो कुछ को छुपकर फंडिंग हुई। नीचे के स्तर पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हुई। जातीय जनगणना किसानों का मामला हो, इन्हें बांटने के वाले अंदाज में पेश किया गया।